बसमिल फ़र्स्ट स्टूडेंट असलकुम आज हम यूनिट टेन जिसका नाम है तरमो इसमें हम लेक्चर नंबर टेन डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर टेन का नाम है कर्नाट इंजन देखिए मुझे कॉर्नाट इंजन सेकेंड लाफ तरमो में दो साइंस्तानों ने अपना स्टेटमेंट दिया एक का नाम था लॉर्ड कैलवन स्टेटमेंट और दूसरे का नाम था क्लाशियस स्टेटमेंट दोनों का बचे ये न छोड़ता कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100 परसेंट नहीं हो सकती अब कर्नाट इंजन एक ऐसा हाइपोथेटिकल इंजन है कि ये एक आइडियल इंजन है तो ये शो करता है कि इसकी एफिशेंसी क्या है 100 परसेंट है अब कर्नाट इंजन एक पूरी साइकिल में काम करता है तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और अगर कोई प्रॉसेस साइक्लिक हो तो हम जानते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है ज़ीरो तो तमाम अमाउंट ऑफ वर्क हीट में कन्वर्ट होता है अब यहाँ पे यह अपना पूरा एक साइकिल दो आइसोथरम और दो आइडाबेटिक में मुकम्मल करता है तो चलो बस स्टार्ट करते हैं कि वट डू मीन बाई कार इंजन देखे कर्नाट इंजन टॉपिक का नाम है कर्नाट इंजन कर्नाट इंजन देखे सादी कर्नाट इन 1824 डिस्क्राइब इन आइडियल इंजन आइडियल मीन हाइपोथेटिकल इंजन वर्किंग ओनली आइसोथर्मल एन आइडाबेटिक प्रोसेस ऐसो मीन जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो आइडेटिक का मतलब है कैनॉट हीट एंटर आर लीव द सिस्टम सो ही शो दैट अ हीट इंजन अपरेटिंग इन आइडियल रिवर्सेबल साइकिल बिटवीन टू हीट रिजर्वायर, एट डिफरेंट टेम्परेचर वुड बी द मोस्ट एफिशेंट इंजन अ करनाट साइकिल यूजिंग एन आइडियल गेस इज़ दर्किंग सबस्टान शोन ऑन टी वी डायग्राम सो दिस साइकिल कम्प्लीट थ्रू फोर प्रोसेस ये विषय हम डाइग्राम में आपको समझाएँगे लेकिन सबसे पहले वट डू मीन बाय आईसोथर्मल एक्सपेंशन अब देखिए अगर कोई चीज़ एक्सपेंड हो रही है तो इसका वॉल्यूम कम, कम हो रहा है और टेम्परेचर उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है सो देखिए उच्च द करनाट इंजन इज प्लेस ऑन अ हाई अम्परेचर रिजर्वायर इसको हम सोर्स भी कहते हैं सो द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड ड्यू टू विच द टेम्परेचर डिक्रीजेस बट टू कीप द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एटी वन हीट इज कीब्जॉर्व फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड द कर्व ए बी ऑबटेन फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्म अब अगर हम यहाँ पे बचे डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास एक सिस्टम है इसको हमने रखा है हाई टेम्परेचर रिज़र्वायर में और ये हमारे पास कौन सी गैस है ये बच्चे हमारे पास आइडियल गैस है इसकी हीट Q1 है और यहाँ पे टम्परेचर क्या है बच्चे T1 अब यहाँ पे जब हम इसको हाई टेम्परीचर रिज़र्वायर में रखते हैं तो इंटरनल इनर्जी इंटरनल इनर्जी इंक्रीज होती है बट वी वॉन्ट टू कीप द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे हम कुछ वेट कर रखते हैं इसको जब हम उठाते हैं तो ये टेम्परेचर को क्या करता है कांस्टेंट करता है सेकेंड है एडाबेटिक एक्सपेंशन अब यहाँ पे हम क्या करते हैं द हीट इंजन प्लेस एंड एंसोलेटर सो देट नो हीट एंटर आर लीव द सिस्टम सो द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फर्दर द टेम्परेचर ऑफ द गेस डिक्रीजेज फ्राम टी वन टू टी टू अब अगर हम यहाँ पे देखें उसे अब यहाँ पे ये हमारे पास एक सिस्टम है यहाँ पे इसको हमने रखा है इंसुलेटर में नो, नार हीट इंटर सिस्टम नार द सिस्टम तो यहाँ पे टम्परेचर जो है वो टी वन से टी टू तक क्या होता है टम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता है सो द प्रोसेस इज़ आईडाबेटिक एंड कर बी सी एस ऑफ टेन कॉल इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे थर्ड हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन देखिये बचे द हीट इंजन इज नो प्लेस ऑन लो टेम्परेचर रिजरवायर सो द गैस इज कंप्रेस ड्यू टू विच टेम्परेचर इंक्रीज बट टू कीप द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एटी टू हीट क्यू टू इज रिजेक्टेड टू वट टू लो टेम्परेचर रिजरवायर अब जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है सेकेंड हमारे पास फोर हमारे पास है आ डायबेटिक कंप्रेशन द हीट इंजन इज नो प्लेस इन इंसुलेटर अगेन सो दीट इंटर आर लीव देशन इन द फिगर अब यहां पर जो साइकिल है देखे बच्चे ये कंप्लीट होता है दारनाट साइकिल देखिए द कार्नाट साइकिल इज अ कंप्लीटेड एंड ट्रू आइसोथरम एंड टू आइडिया बैटिक अब यहाँ पे हमारे पास जो पीवी वी डाइग्राम है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं देखिए ये हमारे पास फॉर एग्जांपल है प्रेशर है ये हमारे पास है वॉल्यूम तो यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कर्व शोरा कर रहा है ए बी दैट इज कॉल आइसोथर्मल आइसो थर्मल एक्सपेंशन अब एक्सोथर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास जो टेम्परेचर टी वन है वो क्या है वो है कांस्टेंट इसी तरह ये हमारे पास है वो आइडियाबेटिक एक्सपेंशन अब आइडियाबेटिक एक्सपेंशन में हमारे पास जो क्यू वन है वो क्या है वो है वो कांस्टेंट तो कर बीस जो है ये हमें शो कर रहा है आइडाबेटिक एक्सपेंशन अब इसमें टम्परेचर डिक्रीज होती है लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें दैट इज सी डी तो ये हमारे पास अगेन हुआ आइसोथर्मल कंप्रेशन इसमें हम गैस को क्या करते हैं कंप्रेस करते हैं तो जब हम गैस को कम्प्रेस करते हैं तो इस मकसद के लिए हम सिस्टम को रखते हुए इंसुलेटर में लो टम्प्रेचर रिजरवायर में तो यहाँ पर हमारे पास जो टी टू है वो क्या है वो है कांस्टेंट अब ये हमारे पास क्या है ये ए सी इसको हम कहते हैं आइडाबेटिक कंप्रेशन और इसमें हमारे पास जो Q2 है वो क्या है वो कांस्टेंट है तो अगर हम देखें यहाँ पे ये क्या है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है सो रिमेंबर इट इज आ साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस और हम जानते हैं कि ए प process is a cyclic then internal energy equal to what zero so from from first law of thermo thermodynamics we know that del q is equal to del u प्लस डी डब्ल्यू तो यहाँ पे हमारे पास जो डेल क्यू है दैट इज क्यू वन माइनस क्यू टू इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो प्लस डेल डब्ल्यू तो यहाँ पे देखिए उचे हमारा जो क्यू वन माइनस क्यू टू है दैट इज सो मच डेल डब्ल्यू अब अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो तमाम का तमाम हीट कन्वर्ट होता है किसमें उचे वर्क में अब हम डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कर्नाट इंजन या इन अदर वर्ड हम इसको कहते हो चे एफिशिएंसी ऑफ कार्नाट इंजन सो एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ कार्नाट इंजन देखो जी एफिशिएंसी को हम ग्रीक वर्ड ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास बराबर होता है आउटपुट आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट अब यहाँ पे आउटपुट हमारे पास है वर्क और इनपुट हमारे पास क्या है Q1 तो यहाँ देखिए डी डब्ल्यू हमारे पास बचे है Q1 वन माइनस क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन अब एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q1 वन बाई क्यू वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन कैंसल सो यहां पर देखिये वन माइनस क्यू टू बान मल्टीप्लाय हंड्रेड परसेंट परसेंटेज इफ क्यू टू इज इक्वल टू टी टू एंड क्यू वन इज इक्वल टू टी वन सो देसंटेज एफिशियंसी इज इक्वल टू वन माइनस टी टू बाई टी वन मल्टीप्लाई हंड्रेड परसेंट अब देखिए उच्च अगर हम यहाँ पे टी टू की जगह जीरो केल वन फोर्ट करें सो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा परसेंटेज इफिशेंसी इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि अगर हम टेम्परेचर को जीरो केल वन करेंट स्केल अब जीरो स्केल वन टेम्परेचर अचीव करना हमारे लिए क्या है नामुमकिन है इसको हम अचीव नहीं कर सकते मैथमेटिकली तो हंड्रेड परसेंट आता है लेकिन इसको हम अचीव नहीं कर सकते तो हम बचे इस बात पे कंक्लूड करते हैं कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी हंड्रेड परसेंट है तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड लॉ और है वो वेरीफाई होता है जो कि लॉर्ड कैलवन और क्लाशिस के स्टेटमेंट में है कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो बचे हंड्रेड परसेंट सो थैंक यू स्टूडेंट्स